दोस्तों, जीके की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मनोविज्ञान की जो पिछले टेट परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में टॉपिक वाइज चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज़ इसे गौर करके सोचिएगा, समझिएगा और उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बताना है आपको कि आपको मेरे द्वारा जो ये बताया गया आपको प्लान कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम तीन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पहली सीरीज होगी हमारी सी टेट, रीट, यूपी टेट और एस टेट आदि जितने भी टेट परीक्षा लगती हैं उनमें जो टॉपिक आते हैं मनोविज्ञान पहला, तो दूसरा हिंदी शिक्षण विधि और तीसरा संस्कृत शिक्षण विधि। तीनों में मनोविज्ञान है, हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं और संस्कृत शिक्षण विधियाँ हैं। इन तीनों के मैं आपको जो पिछले टेट परीक्षा जितनी भी हुई हैं उनमें पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज देने जा रहा हूँ पहली। तो दूसरा फिर दूसरी सीरीज होगी हमारी राजस्थान जीके की, जो भाई राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे पुलिस वगैरह, टीचर वगैरह सब के लिए। उसमें भी आपको इसी तरह की से मिलेगा कि तीन सीरीज होंगी। पहली आएगी राजस्थान के भूगोल की, दूसरी आएगी राजस्थान की कला संस्कृति की और तीसरी आएगी राजस्थान के इतिहास की। इन तीनों की सीरीज में आपको राजस्थान की अब तक की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इन सबसे जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और तीसरा टॉपिक होगा एनडीए जीके। एनडीए जीके में आपको टॉपिक वाइज जैसे इंडिया का पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, तो भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड अब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हुई है हर तरीके की उसमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये है मेरा पूरा प्लान। मेरे चैनल पे ये तीन सीरीज आने वाली हैं और आप मुझे बताइएगा कि ये तीनों सीरीज कैसी लगी, आपके विचार से आपकी क्या राय है क्या नहीं है, आप मेरे को ये सब बताओगे। उसके बाद में फिर मैं आपको ये सीरीज मैं उपलब्ध कराने जाऊंगा दिवाली के बाद में आपको ये सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। मनोविज्ञान की मैंने आज से ही शुरू कर दिया है, तो मनोविज्ञान की आज से जो भी भाई बहन जो भी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं, एस टेट की भी कर रहे हैं, एस टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ दिन में, सी टेट का भी दिसंबर तक आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे कि आप सोच नहीं सकते उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में इतना महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ मनोविज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। तो मनोविज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बता दूं पहले, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। तो पहले अपन ये हटा देते हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा शिक्षण विधियों वो मनोविज्ञान की जो मनोविज्ञान से रिलेटेड जितनी मतलब पहला टॉपिक है मानव विकास और उसकी अवधारणा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बताने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना होगा ये रहा, पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, जो कि सीटेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, रीट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और यूपी टेट के लिए, एस टेट के लिए, सब सब जितने भी टेट होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, किन किन क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जा सकता है। तो उसका आपको बताना है कि मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और किन किन क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। तो अब इसमें अब वो दे रखे हैं
पहला ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। तो इसमें मनोवैज्ञानिक एवं संज्ञानात्मक एवं आध्यात्मिक और सामाजिक विकासों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दूसरा है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो किससे शुरू होता है विकास? विकास शुरू होगा आपका, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, पेन से फिर अपन आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से। तो इसमें क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था इसका। अब तीसरा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर प्रभावित किया जाता है? तो सबसे अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास को कहाँ पर प्रभावित किया जाएगा? खेल के मैदान में तो नहीं किया जा सकता, ना घर में किया जा सकता है, ना समाज में किया जा सकता है, विद्यालय और कक्षा में प्रभावित किया जा सकता है। नहीं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, सॉरी, घर में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? 6 से 11 वर्ष का, 6 से 11 वर्ष का आता है। पांचवा है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से मानव विकास का जो संज्ञानात्मक विकास है वो समर्थित होता है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, जिसको मापा ना जा सके। तो देखो, मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, दोनों है, गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। अगला है इनमें से कौन सा सिद्धांतकार इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु अध्ययन करते हैं? तो उनको कौन करता है? मैस्लो करता है। कौन करता है? बी ऑप्शन, मैस्लो। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन किसका है? यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। अगला है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। निम्न से किस अवस्था में से बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यह है किशोरावस्था में। निम्न से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? ना तो बुद्धि करती है, ना तर्क शक्ति, ना भाषा का क्षमता, इनमें से कोई नहीं करता। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? शैशवावस्था से। और कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त है? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर्गत के अनुकूल, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंध के अनुकूल पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानव विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के टॉपिक में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप, एप बी ग्रुप में शेयर करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को पता पड़ चल सके। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और उसके बाद में जो मैंने आपको मेरा प्लान समझाया उसके बारे में भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे की कुछ सोच समझ सकूँ।